साइंस एक्सप्रेस क्लाइमेट स्पेशल नामक ट्रेन मुख्य रूप से विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों में जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से बुधवार को विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा स्थित रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंची। इस विशेष ट्रेन में प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री माता वैष्णो देवी के एडिशनल CEO M. कुमार ने किया। 16 डिब्बों की इस वातानुकूलित ट्रेन में 2 दिवसीय चलने वाले कार्यक्रमों में जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु पहले दिन नगर कटरा के विभिन्न निजी स्कूली के बच्चों के साथ साथ स्थानीय लोग व रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों ने हिस्सा लेकर जलवायु परिवर्तन व उसके प्रभावों से संबंधित अहम जानकारियां प्राप्त की। वहीं दूसरे व अंतिम दिन इस विशेष ट्रेन में पहले दिन की तरह सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक यह कार्यक्रम कर लोगों को जलवायु परिवर्तन व उसके प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसके उपरांत यह विशेष ट्रेन उधमपुर के लिए रवाना हुई। वही दूसरे व अंतिम दिन इस विशेष ट्रेन में पहले दिन की तरह सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें लोगों को जलवायु परिवर्तन व उसके प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई, जिसके उपरांत यह विशेष ट्रेन उधमपुर के लिए रवाना हुई। जो है तो उसको भी एक है हाइपोथेसिस कि भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोगों में रूरल जो है एरिया उसमें काफी कुछ है, कई स्टेट्स हैं जो हमने देखे जिनमें इफेक्टेड है इसका, तो उसमें ही बात करते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में बात करते हैं, जो BSc फेलोशिप देता है, स्कॉलरशिप देता है, उस पर बात करते हैं। और निकाल दिया जाता है ग्रेड्स को, वो सीट्स के इस्तेमाल होते हैं, गन्ना का गन्ना भी यूज़ हो जाता है। पेड़ पर चढ़ना इंसान को स्टार्टिंग से अच्छा लगता है, तो इससे पहले सर्टिफिकेट कॉकर ट्री क्लाइंबर था, इस पर हम मल्टी ट्री क्लाइंबर लिखते हैं, क्योंकि कोई भी पेड़ हो सब जगह चढ़ सकते हैं। पहले हम शिकायत करते लोगों की हमारे नारी में पेड़ नहीं है चढ़ेंगे, मेरा नाम नितिन तिवारी, मैनेजर ऑपरेशन साइंस एक्सप्रेस। साइंस एक्सप्रेस प्रदर्शनी इसकी जी उद्घाटन हुआ था 17 फरवरी 2017 को, तब से ये ट्रेन यहाँ पे कटरा पे 6 नंबर का पड़ाव है, जो पर्यावरण जन जागृति और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे रिलेटेड जानकारी जो है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लाई गई है। इसकी जो 16 बोगियों हैं, 16 बोगियों में से 13 कोचेस में हम लोगों ने ये प्रदर्शनी लगाई है, और इस प्रदर्शनी में हम लोग अलग अलग कोचेस में बच्चों को क्लाइमेट जो हो रहा है, क्लाइमेट जो परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्रदान करके, उसके साथ साथ जो भी इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उसको जान के हम लोगों को किस तरह की एक रणनीति रखनी चाहिए, जिसमें अनुकूलन हो या अल्पीकरण हो, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि हम लोग उसको समझ सकें और हमारा खुद का क्या हैंडप्रिंट हो सकता है, हम लोग खुद से उनके क्या एक्शन ले सकते हैं। कोई भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उसके ऊपर डिपेंड ना रह के एक ह्यूमन बीइंग तरीके से हम लोग क्या सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो छोटी छोटी स्टेप्स होती है वो ज़्यादा असर करती है। तो मैं बच्चों से, कटरा के लोगों से यही दरकार करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन यहाँ पे आए, इस ट्रेन को देखें, और इस प्रदर्शनी को जो देखने का टाइमिंग है सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का है, हम लोग 1 और 2 तारीख को यहाँ पर रहेंगे।